मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक हमने जो पढ़ा है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, रदरफोर्ड, ये सब हमने डिस्कशन किए, उनके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कशन किए, ठीक है। इन सब चीजों को हमने डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो बोर्स मॉडल है, ठीक है बेटा। लेकिन बोर्स मॉडल को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो उसके लिए बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको ये बात बताई थी कि रदरफोर्ड भी कंप्लीटली सही नहीं था, और उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया था, और मैक्सवेल का जो थ्योरी था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं रदर हम ये मान सकते हैं कि रदरफोर्ड भी अपने पूरे तरीके से सही नहीं था। तो अब हमारा जो है, आप ये बोल सकते हैं ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो एक तरीके से आपके लिए इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा तो आपका टॉपिक जो है वो है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम। अब व्हाट इज स्पेक्ट्रम? इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेंड ओवर द फोटोग्राफिक प्लेट, इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेंड ओवर अ फोटोग्राफिक प्लेट व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। ओके, एक डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज। इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेंड, इट इज द इंप्रेशन ऑब्टेंड ओवर अ फोटोग्राफिक प्लेट, ओवर अ फोटोग्राफिक प्लेट, ओवर अ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट व्हेन व्हाइट लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू प्रिज्म, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू प्रिज्म, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। अब मैं इनको डायग्राम के फॉर्म में समझा रहा हूं आपको डिटेल में, डोंट वरी, एक एक चीज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, सब एक एक चीज हमें बहुत बारीकी से समझना है। देखो सपोज करो ये व्हाइट लाइट है, क्या आपका व्हाइट लाइट है, ये आपका व्हाइट लाइट आपका जो गया है वो एक प्रिज्म पे गया, क्या गया, एक प्रिज्म पे गया। अच्छा एक बात और, व्हाइट लाइट एक बीम है या एक रे है? तो पहले पहले बच्चों आप ये समझो कि बीम का और रे में डिफरेंस क्या है। बीम इज अ बंडल ऑफ रे कंटेनिंग मेनी वेवलेंथ ऑफ रे, एंड ए रे इज अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर से प्यारे बच्चों फिर से समझा रहा हूं मैं, बीम क्या है, इट्स अ बंडल ऑफ रे कंटेनिंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेज, ओके। एंड रे क्या होता है, एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट होता है, क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का लाइट होता है। तो आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी कि बीम में और एक इसमें क्या फर्क होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा व्हाइट लाइट है बेटा, वो व्हाइट लाइट क्या है, बंडल ऑफ रेज है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की इसमें मुझे लाइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप डिटेल में तो आप ये सब नो डाउट आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, बट यहां पे मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो जैसे आप ऑप्टिक्स में ये भी बात जानोगे कि जिस जैसे व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, वो हमें भी पता है, ठीक है। तो ये जो रे होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर छोड़ती है, ओके बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर छोड़ती है, वी गियो जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज रेड, ठीक है बेटा। अब समझो बात को, यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जिस लाइट की मतलब जिस रे की, अब तो ये बीम नहीं है, अब यहां पे आने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट रेज में कन्वर्ट हो गया, हर रे की अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा समझो बात को यहां पे कि हर जिस वेवलेंथ मतलब जिस रे की वेवलेंथ सबसे कम हो या जिस रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसका डिफ्रैक्शन बहुत सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा डेविएट वही करता है, ठीक है। डिटेल में आप फिर से पढ़ोगे फिर से बता रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में आइडिया दे रहा हूं। यहां पे सपोज करो मैंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, क्या किया मैंने, फोटोग्राफिक प्लेट लिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चे समझो, यहां पे वॉयलेट के ऊपर और मैं जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो नीचे से ऊपर जा रहा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वायलेट के ऊपर क्या रहेगा बेटा, अल्ट्रा वायलेट, याद है, अल्ट्रा वायलेट, और रेड के नीचे इन्फ्रा रेड रेस, याद है मैंने बताया था इन्फ्रा रेड रेस, ओके प्यारे बच्चों। तो जब मैंने ये ऑब्टेन किया, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट को अगर मैंने इसके देखा अच्छे से, तो आपको बहुत सारे वेवलेंथ का लाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत सारे वेवलेंथ, मतलब हर कलर इसमें
इमर्ज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा आपको, एक पूरा व्हाइट मिलेगा। कहने का मतलब फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है ब्लैक कलर का होता है, जब आप इसको गौर से देखेगा तो ये पूरा का पूरा व्हाइट है। हाँ आप ये मत सोचना कि सर बैकग्राउंड व्हाइट है उस पर मैं ब्लैक कर रहा हूँ, बट समझने वाली बात है ठीक है, कि फोटोग्राफिक प्लेट आपका ब्लैक कलर का होता है और जब उस पे व्हाइट लाइट पड़ी तो कंप्लीटली व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत डिफरेंट सारे रे की जो मतलब सारे जो कलर से इसमें क्या हो जा रहा है, इमर्ज हो जा रहा है। जब इमर्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। तो और इसी चीज को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो इमेज या जो इंप्रेशन मुझे फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम भी क्या होता है बेटा, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और डिटेल में आपको थोड़ा मैं लेके जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है मेरा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैं इन चीजों को, ठीक है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बेस्ट एग्जांपल मैं समझा दूं तो रेनबो होता है। क्या होता है? रेनबो, राइट। ये भी एक रेनबो ही है। कहने का मतलब है ऐसा स्पेक्ट्रम जहां पे दो पर्टिकुलर रे के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू रेज, उसी को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का मतलब है जब अगर आप सपोज करो, लेट्स से मैं कोई एग्जांपल ब्लू और ग्रीन की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लू और ग्रीन में रेनबो में आपने देखा होगा कि ब्लू ऊपर तो बहुत उसकी कलर इंटेंस रहती है और ग्रीन जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी कलर की इंटेंसिटी घटते जाते हैं, लेकिन ग्रीन का कलर डेवलप्ड होता है उस समय। ब्लू का कलर फेड होता है, ग्रीन का कलर क्या होता है? बढ़ता है, मतलब इंटेंसिटी उस कलर की बढ़ती, क्या बढ़ती है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ब्लू और ग्रीन की जो वेवलेंथ होगी उसके बीच में जितने भी कलर की वेवलेंथ सब मिलेगा मुझे, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है ना बेटे दोनों के बीच में, एक धीरे 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 खत्म हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वही बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोलूंगा, अगर 1 से लेकर 10 तक में कितने नंबर पॉसिबल, बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लो आप। तो वैसे ही ब्लू और ग्रीन के बीच में जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है सब के सब पॉसिबल होते हैं। जितने भी कलर की वेवलेंथ होगी जितने भी सब के सब क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज पहले पॉइंट लिख देता हूं, एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इज देयर, एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इज देयर। सेकेंड बोल सकता हूं, देयर आर नो डिफरेंशिएशन, there are no differentiation between any two rays, किसी दो रेस के बीच में कोई differentiation नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरे discontinuous, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से होता है। देखो समझो बच्चों, discontinuous का मतलब कुछ इस तरीके से यहां पे रेस मिलेंगी, फिर थोड़ा नहीं मिलेंगी, फिर continuous रहेगा, फिर नहीं रहेगा, फिर कंटिन्यूअस रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक इंप्रेशन मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और बेसिकली इट इज कैलिब्रेटेड होता है। ये क्या होता है? कैलिब्रेटेड होता है, इट इज कैलिब्रेटेड। प्यारे बच्चों समझो, कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेटेड का मतलब होता है फोटोग्राफिक प्लेट के पीछे नंबर रहता है। तो सपोज करो मुझे मुझे कुछ यहाँ पे मिला, मुझे कोई रे यहाँ पे मिले तो इसके पीछे मैं नंबर दूंगा तो मुझे फटाक से पता चल जाता है ये भैया इस वेवलेंथ का रे है, यहाँ पे मिला तो मैं बता सकता हूँ इस वेवलेंथ का रे। तो थोड़ा देर मिलता है, फिर थोड़ा देर नहीं मिलता, फिर थोड़ा मिलता है, फिर थोड़ा नहीं मिलता, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हैं सम ऑफ द वेवलेंथ आर मिसिंग। इसमें बोल सकता हूं मैं सम ऑफ वेवलेंथ आर मिसिंग, सम ऑफ वेवलेंथ आर मिसिंग। तो पहले बच्चा यहां तक पूरी बात समझ में आई है, ठीक है। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि सपोज करो सारा का सारा लाइट इसमें पड़ गया, मान लो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो गया, तो अब आप बोल सकते हो भैया यहां से लेकर यहां तक जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है सबके सब क्या हो सकती है? यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। आई बात समझ में? तो दिस कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगेन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं,
एक होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। तो मैं एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है। बात करता हूं मैं एमिशन की, किसकी बात करूंगा मैं, एमिशन की, कि भैया एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। बात को समझना बड़ा ध्यान से, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो यहां सन है, ये क्या है, सन है, सन, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है, क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो सपोज करो ये व्हाइट लाइट एमिट किया, ये क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है बेटा, एमिट कर रहा है, ठीक है। व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो व्हाइट लाइट को जब एमिट करेगा, और ये मान लो सपोज करो प्रिज्म पे आया, सपोज करो ये प्रिज्म पे आया, तो यहाँ पे अगेन आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्या मिलेगा, विबग्योर, अगेन आपको क्या मिलेगा, विबग्योर मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, सनलाइट एमिट कर रहा है, सनलाइट एमिट कर रहा है, रे एमिट कर रहा है, और उस रे की वजह से जो मुझे इंप्रेशन मिल रहा है फोटोग्राफिक प्लेट को, उसे को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर दूसरी बात करूं मैं एब्जॉर्प्शन की, कि भैया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सपोज करो मान लो यहाँ पे कोई गैस है मेरा, ठीक है, इस चैम्बर में कोई गैस है, मैंने यहाँ से हीट या एनर्जी पास करी, हीट या एनर्जी पास करी, एनर्जी मतलब वही वेवलेंथ, आप मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर एनर्जी के पास आप उसमें पैकेट्स होंगे, उस हर एनर्जी के पास मतलब एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, रेडिएशन के फॉर्म में रहेगी, और हर रेडिएशन पैकेट्स कंटेन करता है, हर एक पैकेट की एनर्जी फिक्स रहती है, जिसको हम एस सी बाय लैम्डा बोलते हैं, यही प्लैंक्स क्वांटम मानता है, यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब यहां से क्या होगा, यहां से सपोज करो कोई लाइट एमिट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको प्रिज्म पे पड़ेगी, तो ये भी एमिट करेगा, लेकिन क्या होगा, सम ऑफ द एनर्जी, ये मैं बोल सकता हूं सम ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय गैस, सम ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय गैस, मैं बोल सकता हूं कि ऑब्वियसली कुछ गैस एमिट मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद ये क्या कर देगा, एमिट कर देगा, और अगेन मुझे यहां पे क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां तक बात समझ में आई, मतलब दिस इज डिसकंटीन्यूअस फॉर्म, ओके, कुछ इस तरीके से फॉर्म में रहेगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आई अच्छे से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, देखो ये हमारा था बेसिकली स्पेक्ट्रम पूरा, कि भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है, उनमें भी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये बताना इसलिए जरूरी था कि बेटा बोर्स का जो मतलब जो बोर्स का जो मॉडल ऑफ एटम था, वो बेसिकली इन स्पेक्ट्रम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं बोर्स मॉडल की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, बोर्स मॉडल, आखिर बोर्स मॉडल होता क्या, समझो बात को बेटा ध्यान से। बोर्स ने क्या किया कि यहाँ पे उसने हाइड्रोजन गैस का चैम्बर लिया, H2 गैस का चैम्बर लिया, ठीक है, और उसने क्या किया, या तो उसने यहाँ पे हीट दिया होगा या इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया होगा, या तो उसने हीट दिया या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, मतलब दोनों इनफैक्ट एनर्जी ही दी है उसने इन्हें। तो यहां से क्या निकला, ब्लूइश ब्लूइश बीम निकला, क्या निकला, ब्लूइश बीम, ठीक है, जो अगेन टकराता है किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर टकराता है, और फिर यहां से क्या करता है, रे एमिट करता है। तो जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये एमिट देखा, मतलब कुछ इस तरीके से उसको इंप्रेशन मिला, इस तरीके से इंप्रेशन मिला, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम टाइप, इसका मतलब डिसकंटीन्यूअस वाला, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि हमेशा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिसकंटीन्यूअस होगा, और एमिशन स्पेक्ट्रम हमेशा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस होता है। यहां तक बात समझ में बेटा, यही बात बोर रदरफोर्ड से पूछा कि रदरफोर्ड अब ये बताओ, ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहां से ब्लूइश निकल रहा है, जो स्पेक्ट्रम मिला और डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में, क्यों डिसकंटीन्यूअस है, यही बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, और ये नहीं कर पाने का उसका सबसे बड़ा फेलियर का रीजन बना, ठीक है। हालांकि मॉडल वो बहुत अच्छा था, ठीक है। अब इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे उसने अपना एक मॉडल तैयार कर दिया, यही गेम चेंजिंग स्टोरी हो गई यहाँ पे। कैसे बच्चों, ये जो अभी तक मैंने आपको थोड़ी बहुत रामायण पढ़ाई थी, वो इसी के लिए थी, दैट्स बिकॉज़ कि बोर्स का मॉडल आपको समझ में है कि भैया कि आखिर उसका जो मॉडल ऑफ एटम था उसने कैसे डेवलप किया। तो बेसिकली उसका थीम क्या था, उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन करना था, इसी वजह से उसने अपने मॉडल को तैयार किया। यहां तक पहले बच्चों सबको समझ में आए, ठीक है।
तो ओके यहां तक अच्छे से समझ में आ, और इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एच स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो तो बात करते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल कि आखिर बोर्स के पॉस्टुलेट्स क्या थे उस मॉडल ऑफ एटम के, ठीक है। ठीक है देखो प्यारे बच्चों, पॉस्टुलेट्स को बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको समझा देना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट भी है इसके लिए। देखो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिससे कभी ना कभी इनफैक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा भी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने आपको बता दी कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी बेटा न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तो अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था वो, और ये बात बोर्स भी मानता था, मतलब उसकी इस बात को वो नकारता नहीं था कि भैया न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसकी बात को एक्सेप्ट करता था कि भैया एट द सेंटर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। तो पहला जो उसका पोस्टुलेट्स का पॉइंट था वो सेम उसने रदरफोर्ड के पॉइंट्स को ही क्या कर दिया, लिख दिया था, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट्स था कि इन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट is quantized,
बी इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच बाय टू पाई, एच बाय टू पाई मतलब बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट एच मेरा, ठीक है, शुड बी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच बाय टू पाई विच इज आल्सो नोन एज बोर्स क्वांटाइजेशन भी बोला जाता है, बोर्स क्वांटाइजेशन बोला जाता है बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोर क्वांट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखो उसने क्या बोला कि अराउंड द न्यूक्लियस इनफाइनाइट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के आसपास इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। याद करो क्वांटाइज्ड वर्ड कहां बताया था मैंने, राइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच अपॉन टू पाई, ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे इधर देखो, ठीक है, मतलब उसने बोला था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एमवीआर होता है, क्या होता है, एमवीआर, घबराने की कोई बात नहीं, मैकेनिक्स फिजिक्स में आप फिर से डिटेल में पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए याद रखो जस्ट टू रिमेंबर कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवीआर, ठीक है, वो किसके बराबर था, एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई, वेर एन क्या था, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, मतलब उसका मैं ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, फिक्स होगा, अदरवाइज वो हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, ठीक है, और अगर एन इक्वल टू 1 रहा तो एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा एच अपॉन टू पाई, और अगर एन इक्वल टू 2 रहा एंगुलर मोमेंटम में लिख सकता है mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई, n इक्वल टू 3 रहा तो mvr बराबर किस में हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई, मतलब लाइक दिस, अगर इस फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का तो ही वो उस ऑर्बिट पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, अदरवाइज वो नहीं घूमेगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी थी बेटा, मतलब ये जो बोस क्वांटाइजेशन उसने जो एक्सप्लेन मतलब बताया था ये बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है, हालांकि इस बात को ये प्रूफ नहीं कर पाए थे तो ये इसका पहला फेलियर भी था कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, उसने बोला भाई ऐसा होता बट क्यों होता ये बात उसको पता नहीं था, ठीक है, तो यहां तक पहला बच्चा सबको क्लियर हुआ, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो होगा, सॉरी फोर्थ पॉइंट आपका है, ठीक है, ईच ऑर्बिट आर एनर्जी शेल, ईच ऑर्बिट आर एनर्जी शेल, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज डेफिनाइट, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज डेफिनाइट एंड फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज डेफिनाइट एंड फिक्स, समझ में, मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, यू कांट चेंज देम, ठीक है, दूसरी बात बेटा क्या था, जैसे उसने क्या बोला था कि अगर ये एन वन है, ये एन टू है, ये एन थ्री है, ये एन फोर है, तो इसका उसने ई वन नाम दिया, ई टू बोल सकता हूं, इसको ई थ्री बोल सकता हूं, ई फोर बोल सकता हूं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये ऑर्बिट है ई फोर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ई इनफाइनाइट बोल सकता हूं मैं यहां पे, तो उसने जो सेकंड बात बताई थी कि एज रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एज रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी उसने बात ऑलरेडी बता दी थी, मतलब इसका मैं बोल सकता हूं E1 is less than E2 is less than E3 is less than E4 dot 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 dot, आई बात समझ में आ रहा बच्चों, मतलब यहाँ पे इस तरीके से उसने बता दिया कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, सेकंड बात उसने क्या बोली थी कि एनर्जी तो बढ़ रही है साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस E1
इट शुड बी लेस देन e3 माइनस e2, इट शुड बी लेस देन e4 माइनस e3। मतलब ये जो डिफरेंस होगा एनर्जी गैप का, ये भी क्या होते जाता है, घटते जाता है, ये भी क्या होते जाता है बट आपका घटते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा ना, उल्टा कर दिया मैंने। मतलब ये भी, ये e1 e2 माइनस e1 सबसे बड़ा एनर्जी गैप होगा, e3 माइनस e2 उससे छोटा होगा, e4 माइनस e3, मतलब जैसे जैसे जाते जाएगा तो जैसे 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 इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगा तो ये ऑर्बिट आपस में बहुत क्लोज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बहुत क्लोज होते जाएंगे। ये आपको मैं डिटेल में बात आगे भी समझाऊंगा, या आगे अपने को डिटेल में पढ़ने में प्रूफ करके बताऊंगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और उसने क्या बोला था, एज टोटल एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन की क्या बोली थी, मतलब जो एनर्जी, सॉरी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो उसने एनर्जी का जो जिक्र किया था, वह एनर्जी का मतलब ये था कि इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या थी बेटा ये? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही उसने ऑर्बिट की एनर्जी बताई थी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई, यहाँ तक बात आपको समझ में आई अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ बट लास्ट पॉइंट कि बोर्स मॉडल is applicable, Bohr's model is applicable only on atom containing one electron। Bohr's model उसी atom पे applicable होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक electron होगा। Example की बात करो तो hydrogen, helium plus, ठीक है बेटा, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये सारे के सारे वो हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां तक आई होप सो आपको बोर्स का पूरा मॉडल समझ में आया। फिर से क्विक रिवीजन करते ताकि आपको पता चले, उसका ये मानना था कि बेटा न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ये उसका पहला पॉइंट था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा वो हमेशा इक्वल होगा जो इलेक्ट्रॉन का रेडियली आउटवर्ड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो उसके बराबर होता है। तो ये बात भी मैंने आपको समझा दी। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि न्यूक्लियस के आसपास इनफाइनाइट ऑर्बिट होंगे, न्यूक्लियस के आसपास इनफाइनाइट ऑर्बिट होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी या इट या उस इंटीग्रल फॉर्म ऑफ h / 2 पाई के इक्वल होगी, ठीक है। फिर पॉइंट बोला कि हर ऑर्बिट को वह एनर्जी सेल बोलता है, हर ऑर्बिट को वह एनर्जी सेल बोलता है, कि वह एनर्जी, यहां पे एनर्जी का मतलब ये था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। और ये फिक्स और डेफिनेट है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स और डेफिनेट रहेगी, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा एनर्जी भी ऑर्बिट की क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी बेटा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि इसका एनर्जी गैप क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और बोर्स मॉडल किसके ऊपर एप्लीकेबल था, बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर एप्लीकेबल था, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे बेटा वो है मेरा अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ निकालने, ठीक है, बोर्स में तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया, देखो रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी। तो यहां तक आपको प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझो बेटा ध्यान से। अब हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि किसी ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकाली जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे घूमेगा तो कितने वेलोसिटी के साथ घूमेगा और उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ आरएन वीएन ऑफ एंड ईएन, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट और रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, ठीक है। तो आपको याद होगा बेटा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैंने फॉर्मूला दिया था वो ये था K Q1 Q2 by R2, और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला दिया था K Q1 Q2 by R। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोलोगे तो सिर्फ ये, लेकिन अगर आपको साइन कन्वेंशन भी लगाना होगा तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन जरूर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यू भी बोलते, किसी किसी किताब में आपको पोटेंशियल एनर्जी यू के फॉर्म में भी मिलेगा, और अगर आपको इसको डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, आर 1 बाय आर मैं क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, हाँ वेरी गुड, 1 बाय आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां तक बात आपको सबको समझ में आई बेटा, ठीक है। अब चलो हम डिस्क, ये मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला था, शायद नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में भूल गया था, तो इस क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। देखो सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी वी के साथ जाएगा, इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है आर, ठीक है। अब समझो बात को, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, जेड, मतलब एटॉमिक नंबर, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन का जो चार्ज बोलोगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो प्रोटॉन का भी चार्ज क्या होगा, ई, मैग्नीट्यूड वाइज, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज, मैंने साइन कन्वेंशन यहां नहीं दिया, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड ई, जेड ई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड तो और उसका चार्ज ई, तो टोटल टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस वाला जेड ई हो गया, और इलेक्ट्रॉन तो ई है ही मेरा चार्ज, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे ये होगा कि के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा के के इनटू जेड ई, क्यू वन मेरा हो गया जेड ई इनटू ई बाय आर स्क्वायर, मतलब मैं बोल सकता हूं के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब उसने क्या बोला है कि देखिए सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बराबर होते हैं, मतलब ये होगा कि के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन उसने क्या बोला, एम बी आर बराबर किसके होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के होगा, एम बी आर बराबर किसके होगा, एन एच अपॉन 2 पाई, ये मेरा होगा सेकंड, ये मेरा होगा सेकंड इक्वेशन। तो यहां तक प्यारे बच्चों सबको समझ में आया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन लेट्स से फ्रॉम वन को मैंने क्या किया कि मैंने दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दिया, तो k z e स्क्वायर m बाय r इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर कर सकता हूं, एंड फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सॉरी बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन टू वी गेट, अब दोनों की इक्वेशन को स्क्वायर कर दो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या मैं बड़ा ऐसा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो एम वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है और ये एम स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर, तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब आप इक्वेशन इक्वेट करोगे तो k z e स्क्वायर m by r इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, देन व्हाट इज द rn वैल्यू, rn वैल्यू विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर by 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जनरल फार्मूला है। यहां से आप कोई भी रेडियस कोई भी किसी भी ऑर्बिट की आप रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो मैक्सिमम चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है n स्क्वायर और z, ये आप चेंज कर सकते हो, बाकी सब चीजें क्या है मेरी कांस्टेंट है। तो बेटा ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट कभी कभी एमसीक्यू या जेईई मेंस वगैरह में डायरेक्ट पूछ देता है, ये फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो कीप इन माइंड, ठीक है। तो और न्यूमेरिकली जो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा 0.529 n स्क्वायर बाय Z. जब आप ये वैल्यू पुट करोगे इन सब की तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगा और ये आर्मस्ट्रांग के अंदर आता है, ठीक है। किस में आता है, आर्मस्ट्रांग में, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा, अब देखिए आप यहां पे अगर मैं सपोज करो एम बी और एन एच अपॉन 2 पाई आर एन, तो इसको वी एन लिख देता हूं मैं, तो एम फ्रॉम इक्वेशन टू फ्रॉम टू की बात कर रहा हूं, तो ये ऐसे कर सकता हूं मैं, तो एम बी एन एन एच 2 पाई आर एन की वैल्यू पुट कर दो,
इनटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, फोर पाई स्क्वायर इनटू के जेड ई स्क्वायर एम, एम और एम कैंसिल हो गया आपका, एनएच कैंसिल हो गया, 2 पाई बचा यहाँ पे, तो वीएम का जो फॉर्मूला होगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एनएच, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। अब प्यारे बच्चों ये भी जनरल फॉर्मूला है, आप किसी भी वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट में, अगर वो जो कहने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट पे घूमेगा तो आप उसकी वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकली आपको जो फॉर्मूला यूज करना वो हो जाएगा 2.1 × 10^6 जेड बाय एन, 2.1 × 10^6 जेड बाय एन, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके पहले बच्चों यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मेरे लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे लिए क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो एम बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो मेरी के जेड ई स्क्वायर बाय आर थी यहां से, तो क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 k z e स्क्वायर, k z e स्क्वायर बाय आर, और आप ये देख रहे हो ये वैल्यू किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक बात आपको पहले बच्चे समझ में आई, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी किसके होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी का वॉल्यूम है KZe² बाय R माइनस KZe² बाय R, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी जो मेरा टोटल एनर्जी होगा वो होगा माइनस हाफ ऑफ KZe² बाय R। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो आप देख सकते हो कि टोटल एनर्जी भी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो प्यारे बच्चे यहां तक आपको समझ में आए, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होगा तो -1/2 k z e स्क्वायर, rn का वैल्यू पुट कर दो, rn का वैल्यू क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है बाकी कोई चीज कैंसिल होगा नहीं, तो एनर्जी ईएम जो हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 m बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके बेटा ये जो आएगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के फॉर्म में आएगा, एक एटम का एनर्जी है यहाँ पे, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसी के बारे में डिस्कशन होगी। ये अगेन थ्योरेटिकल वाइज है, न्यूमेरिकल वाइज आपको जो फॉर्मूला यूज करना है -13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आई होप सब प्यारे बच्चों आपको यहां तक हर चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे मैंने रेडियस आर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाला, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकाला, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकाला। ओके प्यारे बच्चों देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको जिस तरीके से मतलब जो मेथड मैंने यूज किया है डेरिवेशन के लिए वो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, जो आपको न्यूमेरिकल पर्पस में भी बहुत काम आ सकता है, ठीक है। अब क्या होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास से क्या होगा न्यूमेरिकल चालू कराऊंगा, तो फर्दर आप नेक्स्ट क्लास के बाद से डीपीपी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं,